व्हाट इज इनर्शिया? आपने देखा होगा जब हम किसी कारपेट को स्टिक से मारते हैं तो जो उस कारपेट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? जब हम चलती हुई कार में सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमें आगे की ओर जर्क फील होता है। व्हाई डज दिस हैपन? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। इट मीन्स इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी की वो टेंडेंसी है जो उसे जिस भी स्टेट में वो है उसी स्टेट में रहने के लिए रिजिस्ट करती है। मीन्स अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे और अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे जब तक हम बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स, दैट आर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेट्स डिस्कस ऑल दीज थ्री टाइप्स वन बाय वन विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा जब हम बस में होते हैं और बस चलना स्टार्ट करती है तब हम पीछे की ओर जर्क फील करते हैं। दिस इज बिकॉज जब बस रेस्ट पे होती है तो हमारी अपर बॉडी और फीट दोनों उसके साथ रेस्ट पर होते हैं। जब बस मोशन में आती है तो हमारी फीट तो उसके साथ मोशन में आ जाते हैं क्योंकि बस और फीट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, बट जो हमारी अपर बॉडी होती है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ड्यू टू दिस हमें पीछे की ओर जर्क फील होता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। इट मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जिसके कारण वो अपनी रेस्ट की स्टेट में ही कंटिन्यू रहता है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। सी अब बस मोशन में आ गई थी है ना, अब अगर बस में ब्रेक लगता है तो हमें आगे की ओर जर्क फील होता है। दिस इज बिकॉज बस के मोशन में आने के कारण हमारी बॉडी भी उसके साथ मोशन में आ गई थी, पर अब जब बस रेस्ट पर आती है तो हमारे फीट तो बस के साथ कॉन्टैक्ट में होने के कारण रेस्ट पर आ जाते हैं पर हमारी अपर बॉडी मोशन में ही रहती है जिसके कारण हमें आगे की ओर जर्क फील होता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू टू मूविंग एट द सेम स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। इट मीन्स इनर्शिया ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपने मोशन में कंटिन्यू रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सी इन द पिक्चर बस जैसे ही लेफ्ट टर्न लेती है तो हमें राइट की ओर जर्क फील होता है। दिस इज बिकॉज हमारी बॉडी पहले जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, बट बस के डायरेक्शन चेंज करने के कारण हमें जर्क फील होता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। इट मीन्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसी बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसके कारण वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकती है जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते। सो गाइज हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स से इनर्शिया को समझा, बट क्या हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है? तो आंसर है नो। देन ये किस पे डिपेंड करता है? लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास टू इमेजेस हैं। सी अगर हम किसी चट्टान को पुश करना चाहें और किसी बॉल को, तो इनमें से किसको पुश करना इजी होगा? ऑफकोर्स बॉल को। वाई? बिकॉज उसका मास कम है। जब हम किसी ज़्यादा मास वाली चीज़ को पुश करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। सी इन दिस इमेज वन ऑब्जेक्ट इज ऑफ 30 kg एंड अदर इज ऑफ 300 kg, तो इसमें से हमें 300 kg वाले ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इट मीन्स इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। मास इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। हैवियर द बॉडी मोर विल बी इट्स इनर्शिया। एंड हमने ये भी देखा कि अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन।
Thanks for watching guys, and please like and subscribe to my channel for more videos.